हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज June 21 को बहुत ही मेजर अपडेट्स आई है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेसिफिकली इंडिया टू कनाडा ट्रैवल के रिगार्डिंग। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो फिर से एक्सटेंड हो गई है July 21 तक, ये ऑफिशियल हो चुका है। एज वेल एज जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उनको अब होटल क्वारंटीन से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बहुत ही मेजर न्यूज़ है, सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है। July 5 से ये वाला न्यू रूल अपडेट होने वाला है। अब बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सो इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। तो जी, वीडियो शुरू होने से पहले हर बार की तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा बार बार। सो विदाउट एनी डू चलते मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊँगा आपको सारी डिटेल्स। सो Let's begin। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया टू कनाडा फ्लाइट न्यूज़ के बारे में। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, न्यूज़ आ चुकी हुई है। कनाडा ने ट्रैवल बैन फ्रॉम इंडिया एक्सटेंड कर दिया है, बट द सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि पाकिस्तान से उन्होंने नहीं किया है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट्स बैन हुई है तो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स भी बैन हुई है। द आंसर टू दिस इज़ नो। इनडायरेक्ट रूट्स जो है वो अभी भी फंक्शनल है। जो ट्रैवल मिनिस्टर है उन्होंने खुद बोला है कि इनडायरेक्ट रूट के थ्रू आप आ सकते हो। Passengers who depart from India bound for Canada via an indirect route must still obtain a valid COVID-19 test result from a third country before boarding a flight to Canada. Specifically, connecting country के through आप आ सकते हो, but आपको obviously requirement होगी कि आपको वहाँ से RT-PCR test करवा के आना पड़ेगा। But अगर आप indirect route choose करते हो, make sure कि आप सभी rules and regulations of the third country जिसके through आप travel करोगे, जहाँ पे आपको RT-PCR test लेना पड़ेगा, make sure कि आप उसके travel restrictions and quarantine restrictions को पहले ही देख लीजिए, क्योंकि कुछ एक indirect routes, for example Ethiopia and Muscat जो था उसके अंदर problem आ रही थी। दूसरे इनडायरेक्ट रूट्स अभी भी फंक्शनल है, फॉर एग्जांपल मेक्सिको हो गया, सर्बिया हो गया, उसके ऊपर मैं वीडियोस पहले ही बना चुका हुआ हूँ। बट मेक श्योर कि आप अपनी खुद की रिसर्च भी कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हर दिन रूल्स चेंज होते हैं। बुक करने से पहले सब कुछ आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि अभी तो रूट्स चल रहे हैं बट फ्यूचर के अंदर चलेंगे दैट आई एम नॉट श्योर। अब काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इनडायरेक्ट रूट सेफ़ है या नहीं। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको आइडिया तो हो ही जाएगा, एंड अगर आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप ग्रुप के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई पता कैसे चलेगा कि कौन कौन बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है। सो मेरा फेसबुक ग्रुप है कनेडियन दोस्त फेसबुक के ऊपर, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो बता रहे हैं कि हम इस रूट से जा रहे हो, कोई जाना चाहता है तो आप उनके साथ टैग इन करके जा सकते हो। उससे आपकी मॉरल सपोर्ट भी हो जाएगी एंड आप हंसी खुशी कनाडा भी पहुंच जाओगे। जो ये इनडायरेक्ट रूट वाली स्टेटमेंट है वो कनाडा के ट्रैवल मिनिस्टर ने खुद बोली है, सो दिस इज 100% लेजिट। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे YouTube के ऊपर 18,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। सो वी आर अ फैमिली ऑफ 18,000 पीपल एंड थैंक यू सो मच। बट एक गिला शिकवा मुझे अभी भी है, क्योंकि इन 18,000 सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ है। सो अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगती है, मेक श्योर कि आप भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। अब आते हैं जी नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो कि है कनाडा का होटल क्वारंटीन एग्जेम्पशन फॉर फुली वैक्सीनेटेड पीपल। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को, एंड आज June 21 को कनाडा गवर्नमेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कौन कौन कैसे इसके थ्रू जा सकते हैं एंड कौन कौन एग्जेम्प्ट होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जो न्यू रूल है वो July 5th 11:59 PM बेसिकली July 6 से शुरू होने वाला है, एंड इसके अंदर सिर्फ कनेडियन सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट ही नहीं, बट सभी लोग जो अभी ट्रैवल कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो आ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि सिर्फ कनेडियन सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाला रूल हो गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसके अंदर क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड सभी वैक्सीन्स जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ऑब्वियसली जो भी लोग कनाडा की ऑथराइज्ड वैक्सीन्स है वो लेंगे, उन्हीं लोगों को आगे जाने दिया जाएगा एंड उन्हीं को फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। एंड फुली वैक्सीनेटेड होने के लिए भी आपको 14 डेज एटलीस्ट सेकेंड डोज के बाद वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा।
अब बात करते हैं कि पार्शली वैक्सीनेटेड या कोवैक्सीन जो ऑथराइज नहीं है कनाडा के अंदर, उनका क्या होगा अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है? तो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए रूल्स एज इट इज़ रहेंगे, उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं रूल्स के अंदर। उनको अभी भी 3 डे होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा एंड देन होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। जो भी चेंजेस हुए हैं वो अभी सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए हुए हैं। मे बी फर्दर डाउन द लाइन वो फेस ऐसा खोलेंगे कि पार्शली वैक्सीनेटेड के लिए सिर्फ होम क्वारंटीन होगा, बट फॉर नाउ ऐसा कोई भी रूल नहीं है। We did meet an important threshold this week in reaching that 75-20 that had been mentioned in the May report. That did allow, not for the lifting of all the restrictions, but to begin to ease them. That's the first phase. In the second phase, as we reach that higher threshold, where we have a very substantial majority of Canadians fully vaccinated, I think it's going to facilitate and allow us to consider the next stage of easing of those restrictions. अब बात करते हैं जी कि क्या-क्या प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुआ है प्रोसेस के अंदर। तो प्री बॉर्डर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। प्री बॉर्डर के अंदर आपको प्लान करना है आपका क्वारंटीन। इस प्लान के अंदर बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे रहोगे, क्या आपका क्वारंटीन प्लान रहेगा। उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो पहले ही बना चुका हुआ हूँ, मेक श्योर कि आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। उसके अलावा COVID-19 का RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स पहले आपको लेना पड़ेगा एंड सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अराइव कैन के अंदर डालना पड़ेगा। अब अराइव कैन के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, सो उसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन तो डालनी पड़ेगी, 14 डे की ट्रैवल हिस्ट्री की, कहाँ कहाँ पे आप 14 डेज पहले रहे हो वो सारी हिस्ट्री आपको डालनी पड़ेगी, एज वेल एज क्वारंटीन प्लान जो मैंने अभी आपको बताया एंड कन्फर्मेशन ऑफ नेगेटिव प्री एंट्री टेस्ट जो कि RT-PCR टेस्ट होता है, एज वेल एज प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशंस की कौन सी वैक्सीनेशंस आपको लगाई गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब भी आप डालोगे तो ऑब्वियसली कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई ऑफिसर इसको असेस करेगा एंड बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंटेशन उसको अप्रूव किया जाएगा। तो जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, जब आप बॉर्डर के ऊपर जाओगे, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर भी लाने हैं ताकि आप उसको शो कर सके। अराइव कैन तो आपके पास होगा ही, जिसके अंदर आप प्रोवाइड करोगे, इन्फॉर्मेशन दिखाओगे एंड सारी चीज़ें होने के बाद, RT-PCR टेस्ट अप्रूव होने के बाद जब आप एंट्री करोगे, तब अगर आप फुली वैक्सीनेटेड होगे एंड आपके अगर सभी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड होंगे तो आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल के अंदर भी नहीं रुकना पड़ेगा एंड डे 8 वाला टेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपको जो ऑफिसर है अराइव कैन के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर बोलते हैं कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको किट दे दी जाएगी, तो आप होम टेस्ट भी कर सकते हो जो यूजली अभी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, बी इट आपका RT-PCR टेस्ट या आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, वो आपके पास होने चाहिए 14 डेज के लिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। सो जी ये प्रोसेस था एंटायर। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये थे कि जो भी होटल क्वारंटीन का उन्होंने पहले से प्री बुकिंग करके रखी हुई है उसका क्या होगा। सो द सैड पार्ट इज़ कि इनिशियली कनाडा गवर्नमेंट एज वेल एज होटल्स ने ये बोला था कि वो नॉन रिफंडेबल होगी, बट होपफुली ये वाले सिनेरियोस बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगे एंड काफ़ी लोगों के पैसे, क्योंकि इसमें फंसे हुए हैं, कनाडा गवर्नमेंट के लिए ये लाइमलाइट पे आ जाएगा एंड प्रेशर बनेगा कनाडा गवर्नमेंट एज वेल एज होटल्स के ऊपर कि वो थोड़ा बहुत उनको रिफंड करें। सो एज़ फॉर नाउ अभी के लिए उनकी कोई पॉलिसी नहीं आई है, बट थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, क्योंकि ये न्यूज़ फैलने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस होंगे एंड ऑब्वियसली वो ये क्वेश्चन रीच आउट भी करेंगे कनाडा एम्बेसी एज वेल एज IRCC को एंड उनको ये एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी निकालनी ही पड़ेगी एंड जैसे ही कोई चेंजेस आते हैं पॉलिसी के अंदर आप रिफंड मांग सकते हो। टिल देन आपको वेट ही करना पड़ेगा या अपने होटल के साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके ऑप्शंस डिस्कस करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे आप बड़ा बड़ा देख सकते हो कि जो भी कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन, उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है फॉर ट्रैवलर्स हु आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड देर आर नो चेंजेस टू कनाडाज करंट बॉर्डर मेजर्स एंड अनवैक्सीनेटेड एयर ट्रैवलर्स मस्ट ऑल्सो बुक अ 3-night स्टे एट अ गवर्नमेंट ऑथराइज होटल बिफोर देयर डिपार्चर टू कनाडा। सो होपफुली नेक्स्ट फेजेस के अंदर पार्शली वैक्सीनेटेड एज वेल एज जो कोवैक्सीन है, क्योंकि कोवैक्सीन भी WHO के थ्रू अप्रूव होने के लिए गई हुई है, सो जैसे जैसे अप्रूव होती रहेगी वैक्सीन्स, वो
लिस्ट के अंदर आती रहेगी। अभी के लिए सिर्फ 4 वैक्सीन्स है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर फाइजर आती है, मॉडर्ना आती है, एस्ट्राजेनेका आती है, एज वेल एज जॉनसन एंड जॉनसन आती है। सो अगर इनके अलावा कोई और वैक्सीनेशन ली है, यू विल बी कंसिडर्ड अनवैक्सीनेटेड। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या कंसर्न है, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एड्रेस कर सकूं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो जी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। स्टे सेफ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।